तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फॉरेस्ट गम मूवी को, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी और इसका एक हिंदी अडेप्टेशन लाल सिंह चड्ढा भी आने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरे एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर बैठा हुआ होता है। इसका नाम फॉरेस्ट गम होता है। इसके पास में ही एक लेडी आके बैठती है। उस लेडी के वाइट जूते इसको बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट गम अपनी आंखें बंद करता है और अपने बीते दिनों को याद करने लगता है। हम गम का बचपन देखते हैं, जहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास होता है। उसके पैरों में कुछ बीमारी होती है, इसलिए उसको कुछ अजीब तरह की जूते पहनाए जाते हैं। डॉक्टर उसकी माँ को बोलता है कि ये कभी भी चल नहीं पाएगा। इसके बाद फॉरेस्ट गम की माँ उसको एक स्कूल में ले जाती है एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल बोलता है कि ये एक अबनॉर्मल बच्चा है और वो कहता है कि ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसको किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन फिर भी उसकी माँ जिद करके प्रिंसिपल को मना ही लेती है। दूसरे दिन फॉरेस्ट गम स्कूल के लिए निकलता है। वो बस में एंटर होता है, लेकिन उसको कोई भी अपने पास नहीं बिठाता है। यहाँ पर एक लड़की होती है, वो फॉरेस्ट गम को अपने पास बिठाने के लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम जेनी होता है। थोड़े दिन में जेनी और फॉरेस्ट गम काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में ही रहते हैं, घूमते फिरते हैं। एक दिन ये दोनों साथ में खेल रहे होते हैं, तभी कुछ बदमाश बच्चे आते हैं और फॉरेस्ट गम के ऊपर पत्थर मारते हैं। वो बदमाश बच्चे यहाँ तक ही नहीं रुकते, वो उसे मारते ही रहते हैं। तभी जेनी उसे बोलते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। फॉरेस्ट गम भागने लगता है, लेकिन वो बदमाश बच्चे साइकिल से उसका पीछा करते हैं। जेनी उसे कहते हैं, तेज भागो तेज भागो। तो भागते ही रहता, धीरे धीरे उसके लोहे के जूते टूट जाते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट गम कुछ ज़्यादा ही तेज भागने लगता है। टाइम बीतता है, अब जेनी और गम बड़े हो गए हैं, लेकिन वही सीन वापस रिपीट होता है जब कुछ बदमाश लड़के फॉरेस्ट गम पर पत्थर मारते हैं और फॉरेस्ट गम भागने लगता है। इस बार वो भागते भागते एक फुटबॉल के स्टेडियम में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो बहुत तेज भाग रहा होता है। टीम के कोच उसे नोटिस करते हैं और अपने साथी से पूछते हैं, ये कौन है? वो कहता है कि ये यहाँ का एक लोकल लड़का है, और कोच इसकी भागने की स्किल्स देखकर इसको अपनी टीम में ले लेते हैं। और अपनी इस स्किल्स के कारण गंप टीम को काफी मैच जिताता है। वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, वो पूरी कंट्री में वो फेमस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गंप को कुछ भी रूल्स नहीं पता होते, वो बस भागते ही रहता है बॉल को लेकर। वो 5 साल तक फुटबॉल खेलता है। इसके बाद इसको कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। कॉलेज में गंप से मिलने के लिए एक मिलिट्री ऑफिसर आता है। उसने फॉरेस्ट गंप को टीवी पर देखा था, इसलिए वो उसे नोटिस करता है। वो फॉरेस्ट गंप को मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए बोलता है और गंप यहाँ पर उसकी बात मान लेता है। वो आर्मी में जाने के लिए बस में चढ़ता है, लेकिन सेम यहाँ पर भी उसको कोई अपने साथ नहीं बिठाता है। यहाँ पर एक काला आदमी होता है जिसका नाम बबाक होता है। वो गम को अपनी सीट पर बिठाता है, वो गम को अपने पास बिठाता है। बबाक उसे बताता है कि मैं झींगे पकड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं आर्मी में जा रहा हूँ। दरअसल उसको झींगों का काम बहुत पसंद होता है, वो झींगे की ही बातें करता रहता है। गम को यहाँ पर जेनी की बातें याद आती है। जब वो जेनी से मिलता है तो वो कहता है कि मैं वियतनाम की आर्मी में जा रहा हूँ। जेनी उसे कहती है कि जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम्हें वहाँ से भागना है। वो कहता है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन आर्मी के सारे ऑफिसर जंगल में जा रहे होते हैं, तभी इन पर हमला होता है। वो दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, गोलियों की बौछार हो रही होती है। फॉरेस्ट गम को खतरा लगता है, इसलिए वो जेनी की बात याद करके भागने लगता है। तभी उसको याद आता है कि मेरे दोस्त तो पीछे ही रह गए हैं, और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागता है। वो उन सबको बचा लेता है, लेकिन वो यहाँ पर बबाक को नहीं बचा पाता है। फॉरेस्ट गम की इस बहादुरी के लिए उसको एक मेडल मिलता है, वो भी प्रेसिडेंट से। यहाँ पर उसको जेनी मिलने आती है, वो जेनी को भाग के गले लगाता है। जेनी यहाँ पर बताती है कि मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद गम बैडमिंटन खेलने लगता है, वो इसमें भी बहुत अच्छा खेलता है। वो फॉरेस्ट गम को खेलने के लिए चाइना भेजा जाता है और बहुत फेमस हो जाता है और सेलिब्रिटी बन जाता है। और थोड़े दिन में वो बैडमिंटन खेलना भी छोड़ देता है। यहाँ पर गम को कुछ पैसे भी मिलते हैं। थोड़े दिन बाद वो बबाक के गाँव जाता है, वहाँ पर उसकी फैमिली से मिलता है और वो अपने पैसों से नाव खरीद लेता है। यहाँ पर वो झींगे पकड़ने लगता है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसको कोई झींगा नहीं मिलता है। कुछ दिन में उसका एक आर्मी का दोस्त आता है जिसका फाइट के दौरान पैर कट गया था। वो भी फॉरेस्ट गम के साथ रुक जाता है और ये दोनों झींगे पकड़ने का काम शुरू करते हैं। ये दोनों मिलकर काफी कोशिश करते हैं झींगे पकड़ने की, लेकिन इनको कोई भी झींगा नहीं मिलता है। कुछ दिन बाद समुद्र में तेज तूफान आता है। इस तूफान में वो दोनों बचते बचाते सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि समुद्र में एक भी नाव नहीं बची है, सब कुछ टूट फूट गया है। अब मात्र उनकी ही नाव बची है, क्योंकि अब झींगे पकड़ने के लिए और कोई भी नहीं है, इसलिए वो बहुत झींगे पकड़ते हैं। ये झींगों का व्यापार करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। अब इन्होंने झींगों की कंपनी भी खोल ली है और इससे ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कुछ दिन बाद गम को खबर मिलती है कि उसकी माँ बीमार है। वो अपनी माँ से मिलने आता है। उसकी माँ उसको देखकर बहुत खुश होती है। थोड़े दिन में उसकी माँ की डेथ हो जाती है। गम यहाँ पर फैसला करता है कि वो वापस झींगे पकड़ने नहीं जाएगा, वो यहाँ पर घास काटने की नौकरी करता है। कुछ दिन बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें वो झींगो वाला दोस्त उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। वो थोड़े ही दिन में ये दोनों बिलियनर बन जाते हैं, लेकिन गम अपने सारे पैसे चैरिटी कर देता है और कुछ पैसे वो बबा की मोम को भी दे देता है। थोड़े दिन में जेनी उसके पास आती है, वो जेनी और गम्प दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। गम्प उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, वो थोड़े ही दिन में वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गम्प का दिमाग खराब हो जाता है, वो भागने लगता है। वो काफ़ी दिनों तो भागता ही रहता है,
लोग उसे पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। असल में उसको खुद को ही नहीं पता होता कि वो भाग क्यों रहा है। लोग समझते हैं कि इसका कोई मकसद इसलिए भाग रहा है, लेकिन ये तो भागता ही रहता है, वो भी बिना मतलब के। वो करीब 3 साल तक भागता है। 3 साल बाद वो रुक के कहता है कि मैं अब बहुत थक गया हूँ और घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने घर आता है और एक सुबह उसे जेनी का लेटर मिलता है। जेनी उससे मिलना चाहती है। वो जेनी से मिलने जा रहा है, इसीलिए वो बस स्टॉप पर बैठा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वो उस लेडी से जेनी का एड्रेस पूछता है। वो लेडी उसे बताती है कि ये जगह तो पास में ही है। वो भाग कर जेनी के घर पर पहुँचता है। जेनी उससे मिलती है। जेनी गम से मिलती है और उसे अपने बच्चे से मिलाती है। जेनी कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। कुछ दिनों में इनकी शादी हो जाती है। इस शादी में फॉरेस्ट गम का वो झिंगे वाला पार्टनर भी आता है। उसने भी शादी कर ली है क्योंकि वो एक अमीर आदमी बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जेनी को एक बीमारी होती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फॉरेस्ट गम अब जेनी को बहुत याद करता है, लेकिन अब वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता है। एक तरफ जहाँ पर गम्प बहुत बेवकूफ़ था, उसका उल्टा उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसका बेटा स्कूल जाने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।